हमारी जो एक और कैटेगरी जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, इस साल से इंट्रोड्यूस की गई है, वो नेशनल आइकन अवार्ड की कैटेगरी है। और पहली बार ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस होते हुए जिस विभूति को ये अवार्ड प्रदान किया गया है ज्यूरी के माध्यम से, वो अपने आप में विश्वविख्यात प्रतिभा विभूति, रंगमंच के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा आसमान को छूती है, श्री एम के रैना साहब, उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। और उस अवार्ड के लिए इन्वाइट करने से पहले आइए ये वीडियो फिल्म के जरिए भी उनकी यात्रा से हम जुड़ते हैं। एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे महाराज कृष्ण रैना, जिन्हें एम के रैना के नाम से जाना जाता है, भारत के सर्वश्रेष्ठ थिएटर अभिनेताओं और निर्देशकों में से एक हैं। महाराज कृष्ण रैना जी ने 13 भाषाओं में 130 से अधिक नाटकों का निर्माण किया है। एक अभिनेता के रूप में इन्होंने 100 से अधिक नाटकों में काम किया है। एम के रैना जी ने श्रीनगर में अपना कॉलेज पूरा किया और फिर राज्य छात्रवृत्ति पर दिल्ली में NSD चले गए। इन्होंने कबीरा खड़ा बाजार में, कर्मावाली, लोअर डेप्थ्स, परी कुक और द मदर जैसी कई यादगार प्रस्तुतियों का निर्देशन किया है। रैना जी थिएटर के अलावा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का भी हिस्सा रह चुके हैं। इन्होंने तारे जमी पर, रब ने बना दी जोड़ी, आयशा, नूर और नोबलमैन जैसी फिल्मों में काम किया है। इन्हें संस्कृति सम्मान, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और पंजाबी अकादमी दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। इनके द्वारा प्रदर्शन कला और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में दिए गए इनके अतुल्य योगदान के लिए हार्मनी इंडिया इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक पुरस्कार के साथ नवाजता है और गौरवान्वित महसूस करता है। देवी सज्जनों, आपके करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा मंच पर आने के लिए श्री एम के रैना साहब को। रंगमंच और फिल्म के क्षेत्र की ऐसी विभूति जिन्होंने कई पीढ़ी को अपने हाथों से तराशा है, उन्हें संवारा है और परफॉर्मिंग आर्ट के साथ जोड़ा है, इस रूप में उन्होंने समृद्ध किया इस पूरी परंपरा को। उनका अभिनंदन इस मंच पर, और यह अवार्ड उन्हें देने के लिए मैंने निवेदन करूंगा निरुपमा कोथरू जी, वो मंच पर आएँ, डॉक्टर सुधीर सोपोरी जी, डॉक्टर राजेंद्र धर साहब, शाह फैसल साहब और अभय सोपोरी जी, आप सबको मैं इन्वाइट करता हूँ कि आप मंच पर आएँ। और ऐसी विभूति श्री एम के रैना साहब, आप देखें कि अपने कितना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है थिएटर रंगमंच के क्षेत्र में, 13 भाषाओं में 130 से अधिक नाटकों का मंचन देश विदेश में सब जगह, और उस सारी यात्रा में कश्मीर और कश्मीरियत उनके दिल में हमेशा रही है, और वो चीज़ बड़ी खूबसूरती से हम सबको मुतासर भी करती है, प्रेरित भी करती है, प्रभावित भी करती है। तो बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन आदरणीय श्री एम के रैना साहब का नेशनल आइकॉन अवार्ड। पहली बार आमनी फाउंडेशन, कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से इस अवार्ड को प्रदान किया जा रहा है, और ज्यूरी ने जो नाम चयन किया उस नाम पर हम सबको बहुत गर्व है और हम सब अभिभूत हैं, और इस बात के लिए भी अभिभूत हैं कि उन्होंने इसको स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में वो आए और ये अवार्ड उन्होंने हम सब की तरफ से यहाँ मंच पर हासिल किया है। तो उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन है और आभार भी इस बात के लिए और बधाई भी इस बात के लिए।